मैं कुरान की नीयत करके आया, मैं तुहानू कुरान पढ़ के सुनाना, मैनू कुरान कोई नहीं आउंदा, पर मैं तुहाडे नाल वादा कर बैठा मैं कुछ ना कुछ ते तुहानू सुनाना, ना सुनाया तो तुसां मैनू आने नू कुरान नहीं आउंदा, मैं पढ़ना तो जरूर है, भावें मैनू गलत आउंदा होवे मैं पढ़ना जरूर है, मैं वादा कर बैठा, मैं झूठा वादा कर बैठा, अज मैं तुहानू कुरान सुनाना है, गलत आए तां पाक दा कुरान अज मैं वादा कीता सी अज ऐतां ही पढ़ी जानी है, कुरान पढ़ी जाना है, अनाम अल्लाह मिन नबीन व सिद्दीकीन व शुहदा व नबी व सालिहीन, अनाम अल्लाह मिन नबीन व सिद्दीकीन व शुहदा व नबी व किताब मरियम अजिंता बजत मखान, फिर किताब मरियम अजिंता बजत मखान, रुशर की तो तफाइन कुन तो तफाइन कुन तो तकिया। मैं ये समझना के मदनी साहब मेरे बुजुर्गों का सदका जारी है। नाजरीन इकराम, आप जान ही गए होंगे कि नासर मदनी ने इस वीडियो के अंदर कितनी गलतियां की हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि इसका कसूर होगा, बल्कि कसूर लोगों का है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये कुरान किसको आता है और कुरान किसको नहीं। मैंने जबकि अक्सर वीडियोस और अक्सर लेक्चर्स के अंदर कहा है कि जब भी आप कोई महफल करते हैं तो उस आलिम को बुलाइए जिसको कुरान आता है, उस पीर को बुलाइए जिसको कुरान आता है। अक्सर जो है वो सुरीले ऐसी सुर लोग पसंद करते हैं, लेकिन उससे असर क्या होता है आवाम को? कुछ भी नहीं, 0%। सुर तो मैं भी लगा लेता हूँ, अच्छी किस्म की सुर लगा लेता हूँ, तकरीर भी सुर में कर लेता हूं, लेकिन अगर आप सुर में कुरान पढ़ते हैं और गलत पढ़ते हैं तो भाई आप सुर में ना कुरान पढ़ें। बहुत सारे खुतबा जिनका बड़ा बड़ा नाम है वो भी ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर आपने जायजा तो ले लिया होगा कि आज इस वक्त जो इस तरह के जाहिल लोग हैं, जाहिल इंसान हैं, वो लोगों के क्या बने हुए हैं, वो रहनुमा बने हुए हैं और लोगों ने उनको इमाम बनाया हुआ है। लेकिन मैं तो कहता हूँ आज के दौर में इमाम बनना बड़ा सस्ता है, कारी बनना बड़ा सस्ता है। आप तो हर मस्जिद के अंदर सब इमाम मस्जिद को कारी साहब भी कहते हैं, जबकि उसके ऊपर कारी की तारीफ फिट नहीं आती होती, उसको भी कारी कहते हैं। तो ये मेरी कोई वीडियो तनकीदी नहीं है, इसलिए है कि बस एक ही मेरा इरादा है, लोगों तक ये पैगाम पहुँच जाए कि भाई हमने खुद कुरान सीखना है, कुरान पढ़ना है और इससे हदायत लेनी है। तो इसकी गलतियां तो आपने देख ली होंगी, मैं भी नोट करवाता हूँ। सूरह मरियम सूरह पहले इसने सूरतुन्निसा की आयत नंबर 68 पार नंबर 5 से पढ़ा, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन, जबकि कुरान पाक में आता है अलैहिम मिनन नबीयीन, तो इसने अलैहिम छोड़ दिया। पहली गलती लहन जली की। दूसरी गलती इसने की वशुहदा ऊ पढ़ा, जबकि हमजा के नीचे जेर है कुरान पाक में, वशुहदा ई आता है, तो दो गलतियां होगी। तीसरी गलती इसने की वसालहीन पे, जबकि वशुहदा के बाद आता है वसालहीन, ठीक है, तो इसने अपने पास से कोई लफ्ज गाड़ के ना वशुहदा के बाद वो बोल के आगे वसालहीन कह दिया, अस्तग़फिरुल्लाह अलअयाज़ु बिल्लाह। जबकि अवाम, मुझे अवाम पे हैरत आती है कि वो सुन भी रही है और किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं हुई, गैरत पैदा नहीं हुई कि हम इसको रोकें टोकें और इसका हाथ पकड़ के स्टेज से नीचे उतार दें, भाई तुम्हें कुरान नहीं पढ़ना आता, तुम हमें कैसे हिदायत दोगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज इसने लहन जली की गलती की सूरह मरियम की आयत नंबर 16 में, वज़कुर फिल किताब मरियम, आगे आता है इदिन तबादत, और इसने क्या पढ़ा आदिन तबादत, अस्तग़फिरुल्लाह, हरकत को हरकत से बदल दिया, यह लहन जली की चौथी गलती। फिर आगे आता है कालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका, मिनका क्योंकि खिताब की ज़मीर है, हाजिर की जमीर है। फिर आगे आता है इनकुनता, आता है इनकुनता, तो इसने क्या पढ़ा इनकुनतु, हरकत को हरकत से बदल दी। सोचिए कि इसने लहन जली की गलती की है और इनकुनतु का माना क्या होता है। तो लिहाजा ये गलतियां मैंने इसलिए आपको नोट करवाई हैं कि मेरी ये एक मौद्दबाना अपील है आप तमाम लोगों से कि मेहरबानी करें, इन लोगों से बाइकाट करें और ऐसे लोगों को कभी भी महाफिल में ना मदऊ करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको कुरान नहीं पढ़ना आता, बस इमामा शरीफ पहन लिया, दाढ़ी रख ली, अल्लामा बन गए। अल्लामा बनना बड़ा आसान है, हाफिज बनना बड़ा आसान है, कारी बनना बड़ा आसान है। तो ये चीज़ें जो है ना, जब तक आप इनका बाइकाट नहीं करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब यही जो हालात जो है वो आपके बच्चों, आने वाले मुस्तकबिल में ये बच्चों के आपके इमाम बन जाएंगे।
सके आपने इस वीडियो को क्या करना है, आगे शेयर करना है ताकि लोगों तक जो है ना वो एक इस्लाही क्या हो सके, पैगाम पहुंच सके। मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह की गलतियां जो है ना वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा, क्योंकि जब हम कुरान, लोगों को पता तो चले ना किसको कुरान आता है और किसको। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।